ये आयोजन निश्चित ही साहित्य, समाज और विमर्श को एक नए धरातल पर लाने की कोशिश है और इस कोशिश में हम सफल होंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। कार्यक्रम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर एस फारूक, प्रेसिडेंट हिमालयन ड्रग कंपनी, एक जानी मानी शख्सियत, अनेकानेक गवर्नमेंट बॉडी से एसोसिएटेड, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और वेरियस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस। आपके लिए शादाब अली जी की चंद पंक्तियां, जो उन्होंने पिछले लिटरेचर फेस्टिवल में कही थी कि बहुत कोमल है दिल, हम जज्बे ईमान वाले हैं, उलझना हमसे मत, हम एक अलग पहचान वाले हैं। डॉक्टर एस फारूक, हम अमेरिका में थे, एक मॉल में, वहाँ एक फिल्म थी आई मिलन की बेला, और नाम तो उन्होंने वही लिखा, आई मिलन की बेला। जब उसका गाना चला तो उसका कैप्शंस में इंग्लिश में वो आ रहा था, आई मिलन की बेला, देखो आई गाना चल रहा था, और ट्रांसलेट उन्होंने जो किया, मेटिंग सीजन हैज कम, मेटिंग सीजन हैज कम। उसमें जो है वो हीरो हीरोइन एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। तो हर जबान की अपनी पहचान है, कम लोग हैं ऐसे जो किसी जबान का तर्जुमा कर दें, उसका अनुवाद कर दें। आपने कहा संस्कृत के बारे में कि संस्कृत हो, और कुछ जुमले संस्कृत में आप बोलते, संस्कृत भाषायाम वार्तालापम करिष्यति गुफ्तगू होती उसके अंदर भी। देखिए, लिटरेचर की यही एक खसूसियत है कि हर जबान, ये जबान जो है ये इंसान को अल्लाह ने दी है, जो मुख्तलिफ तरह से गुफ्तगू करती है। जानवर की इसीलिए जबान नहीं होती, उसकी जीभ होती है। ये हमारा बड़ा अलमिया है, बड़ा दुखदाई बात है कि जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है जीभ दिखलाओ, और हम लोग जीभ दिखलाना शुरू कर देते हैं, जबकि जीभ जो है वो जानवर की होती है, इंसान को अल्लाह ने जबान दी है। आप कहीं का भी जानवर ले आइए, कुत्ता है वो भौंकेगा, कहीं का ले आइए, चिड़िया है वो चू चू करेगी, कहीं के ले आइए, तो बिल्ली है म्याओं म्याओं करेगी। इंसान है कि एक ही खित्ते के अंदर, पहाड़ में ही आपका मऊनी अलग है, गढ़वाली अलग है, संस्कृत है, उर्दू है, हिंदी है, पंजाबी है, हर जबान का अपना लुत्फ है, इंग्लिश है। तो इस सबको मिल के यहाँ के लोग इस लिटरेचर फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं, और वो खुशी, देखिए खुशी जो है जभी कि जब लोगों के अंदर अवेयरनेस आए किसी चीज, उसके बारे में उनको पता चले, और जब पता ही ना हो तो क्या करें, सारी मताए जिंदगी देकर खरीद लो, सारी कमाई जिंदगी की देकर खरीद लो, लेकिन सुकून दिल तो कोई बेचता नहीं, कोई नहीं बेचता। ये तो आपको खुद अपनी मेहनत से लाना पड़ेगा, और उसके लिए लिटरेचर है। हम लोग बड़े खुश नसीब हैं कि हम लोग ऐसे खित्ते में पैदा हुए, जो आपने कहा, जो रिच है, हिंदुस्तान रिच है कल्चर से और लिटरेचर से। बुराई जो है, गालियां अगर कोई किताबों में लिख के दे दे तो वो लिटरेचर नहीं कहलाता, हाँ कोई अच्छी बातें लिख के तो वो लिटरेचर कहलाता, बुराई जो है वो लिटरेचर नहीं कहलाती। तो हमारी ये बड़ी खुश नसीबी, अमेरिका से एक आधा घंटे की फ्लाइट है, मियामी से केमन के लिए, केमन कैरेबियन आइलैंड्स आप लोगों ने सुना होगा। हम वहाँ पर गए तो हमने देखा जो उनकी करेंसी थी,
उसके ऊपर एक पायरेट, एक जहाजी डाकू की फोटो बनी हुई है, ट्रेजर चेस्ट खुला हुआ और एक सॉर्ड उसने हाथ में ली हुई है, एक आंख बंद है, एक टांग उसकी जो टूटी हुई होती है वो अपना खड़ा हुआ है। तो हमें बड़ा ताज्जुब हुआ कि करेंसी के ऊपर डाकू की फोटो। तो हमने पूछा जो हमारे होस्ट थे कि भाई ये क्या है, हमारे यहाँ तो महापुरुषों के फोटो होते हैं। तो उसने कहा साहब हमारे पूर्वज तो यही थे, हमारे ये एक आइलैंड था और आप हमारे म्यूजियम में जाइए आपको वही वहाँ पर शिप्स और वही चीजें मिले, लूट के लाते थे और खिलाते थे। तो हम लोग कितने खुश नसीब हैं, दो चीजें इंसान को अपनी खुशी से नहीं मिलती, वो दो चीजें क्या हैं? एक तो उसके माँ बाप, किसी से नहीं पूछा जाता कि तुम्हें किसके घर पैदा होना है। अगर ये पूछा जाता तो गरीब आदमी को बच्चे ना मिलते, सब ओबामा और ट्रम्प के यहाँ या किम जोंग के यहाँ पैदा होने की कोशिश मुझे ना मिल गया। तो पहली चीज किसी से नहीं पूछा जाता। दूसरी चीज जो पूछी नहीं जाती वो है उसकी जाए पैदाइश, कहाँ उसको पैदा होना है, ये भी किसी से नहीं पूछा जाता। ये किस्मत से मिलती हैं दोनों चीजें, अच्छे माँ बाप और अच्छी जगह। तो हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं कि हम लोग ऐसी जगह पैदा हुए हैं और हमें यहाँ से लिटरेचर मिल रहा है। हमारे पूर्वजों का शेर है कि बड़े शौक से इन्हीं पत्थरों को शिकम से बांध के सो रहूं, बड़े शौक से इन्हीं पत्थरों को पेट से बांध के सो रहूं, मुझे माल मुफ्त हराम है, मुझे दे तो रिस्क हराम। ये हमारे यहाँ ये दूसरी जगह की सभ्यता ऐसी नहीं। यहाँ पर इंसान को इंसान से मोहब्बत जो है वो सिखाई जाती है। यहाँ वसुधैव कुटुंबकम है, यहाँ अलखल्क वयालुल्लाह है, यहाँ पूरा यूनिवर्स जो है वो एक इंसानियत है, एक कुनबा है, ये सिखलाया जाता है। और जब ये हम लोग समझ लेंगे तो सोसाइटी के अंदर हम लोग अच्छाई पैदा करेंगे। हमारे मुल्क को इस चीज की बड़ी जरूरत है और वो ऐसे लिटरेचर फेस्टिवल से ही आ सकते। कुछ हम भी बनाए तेरे बिगड़े हुए काम, कुछ हम भी बनाए तेरे बिगड़े हुए काम, ए खाके वतन तुझसे बने हैं हम भी। तो ये वो काम यहाँ पर हो रहा है, मैं मुबारकबाद देता हूँ आप सबको। देखिए किताबें, अकबर इलाहाबादी का शेर है कि हम उन किताबों को काबिले जब्ती समझते हैं, हम उन किताबों को काबिले जब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़ के बच्चे अपने बाप को खफ्ती समझते हैं। ऐसी किताबें नहीं होनी चाहिए जो आपस में नफरत सिखलाएं, बुराई सिखलाएं, लोगों में मारपीट सिखलाएं। देखिए माँ बाप की इज्जत करना इंसान का फर्ज है, अपनी जाय पैदाइश की इज्जत करना ये फर्ज है। एक लेकिन ऐसा बाप बनना चाहिए, ऐसे माँ बाप बनना चाहिए कि उनके लिए जब बच्चे जब वो ना रहे तो बच्चे उनको अच्छाई से याद करें। एक साहब बड़े जालिम थे, बड़े हर चीज लोगों को मारपीट और छीनना और सामान जायदाद कब्जा कर लेना, वो सब उन्होंने जिंदगी भर किया और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। हर आदमी को मरना है। अभी ये कहा कि बहुत से लोग खुदा को नहीं मानते। एक शेर है कि तू समझ में तो आता है मगर नजर नहीं आता। ये तमाम रंग, ये गुब्बारे उड़ाए गए, ये वादियां, तू समझ में तो आता है मगर नजर नहीं आता। मैं समझ गया यकीनन तेरी पहचान यही है। तो खुदा तो है, तो मौत भी है, हर शख्स को मौत आनी है। तो वो
उनकी का इंतकाल हो गया, मर गई, तो उन बड़ी जायदाद छोड़ गई। तो बच्चे उनका बेटा था, उसने सोचा कि मेरे बाप मेरे लिए छोड़ गए सब, तो मैं कुछ ऐसा करूं कि बाप को लोग अच्छाई से याद करें। और वो जितना भी अच्छा काम करते, कहीं प्याऊ लगवा दिया, कहीं कुछ और स्कूल खोल दिया, कहीं कुछ और काम करता, लोग ये कहते कि कितना अच्छा आदमी है, इसका बाप बहुत बुरा आदमी, बेटा देखो कितना अच्छा, बाप कितना बदमाश था। बड़े उसने परेशान हो गया, जो भी अच्छा काम करे बाप का नाम भी लिख दे, लोग कहे कितना अच्छा है, देखो बाप का नाम, बाप इतना बदमाश था। तो उसने मशवरा किया लोगों से कि कोई रास्ता ऐसा बताइए कि मेरे फादर को चले गए, लोग अच्छाई से याद करने लगे कि वो बहुत अच्छे थे, ये कहने लगे। मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे बाप को लोग तो अच्छा इसका बाप था। तो उसने किसी ने मशवरा दिया कि आप एक ही तरीका है, उसने क्या तरीका है कि आप अपने बाप से भी बुरे हो जाएंगे, तब लोग कहेंगे इससे अच्छा तो इसका बाप। हमें वो रास्ते ना कि हम इस आने वाली जनरेशन जो यहाँ पर बैठी हुई है, जिनके बारे में आप ये कह रही थी शुरुआत में कि ये हैं टॉर्च बेयरर, ये बैटन बेयरर हैं, ये देश को आगे ले जाएंगे, ये अच्छी बात है, इन किताबों से सीखें, और हम लोगों के बाल सफेद हो गए। ये सफेद जो है बाल, ये पहचान है इस चीज की, अल्लाह ने जो कुदरत को ये दिया ये सफेद बाल हो, तो ये अमन पीस की पहचान होनी चाहिए। हम सफेद बालों में भी झगड़ा सिखलाते, इसलिए लोग कहते हैं कि रास्तों कहाँ गए वो लोग जिन्हें हम आते जाते आदाब करते थे, तो कहते थे कि जीते रहे, वो दुआ देने वाले लोग भी नजर आते। सफेद बाल हैं लेकिन रंग के हर आदमी सोचता है कि अभी दुआ देने का वक्त नहीं आया, बाकी है अपने शेख को हसरत गुनाह की, बाकी है अपने शेख को हसरत गुनाह की, मुंह भी सियाह करेगा जो दाढ़ी सियाह। हमें अच्छाई सीखनी है, हमें समझना है नेचर ने क्यों किया, क्यों बाल सफेद। इंग्लिश में ग्रे कहते, ग्रे हेयर्स, क्यों सफेद? अगर आप कहें वाइट है तो रॉन्ग इंग्लिश हो जाएगी, वही ट्रांसलेशन विल बी रॉन्ग। व्हाइट इज कि उस कंट्री में जो है वो ग्रे होते बाल, सफेद नहीं होते, ब्राउन से ग्रे, हमारे यहाँ काले से सफेद हो जाते। तो हमें समझना चाहिए कि भाई हमारे बाल सफेद हो रहे तो हमें बच्चों को दुआएं देनी चाहिए। तो मैं इसी बात से अपनी बात खत्म करता हूँ।